कठपुतली कॉलोनी में डीडीए और पुलिस की कार्रवाई के जरिए तोड़े गए घरों की वजह से बेघर हुए लोगों से मिलने केजरीवाल पहुंचे। केजरीवाल ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए एलजी से मिलकर सब कुछ ठीक करने का आश्वासन भी दिया। प्रशासन के अधिकारी, पुलिसिया तामझाम और मीडिया के कैमरे। ये तस्वीर है कठपुतली कॉलोनी की, उसी कठपुतली कॉलोनी की जहां रिहैबिलिटेशन के नाम पर लोगों की आशियाने उचाड़ दिए गए। सड़कों पर रहने को मजबूर इन लोगों को भरोसा देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे, लोगों से बात की और इस कार्रवाई को गलत ठहरा दिया। यहाँ पे कठपुतली कॉलोनी में इतनी निर्ममता के साथ लोगों के घर तोड़ दिए गए, जवान लड़कियां सड़क के ऊपर हैं, एक बच्चे की मौत हो गई, लोगों का सारा सामान तोड़ दिया। मैं एलजी साहब से निवेदन करता हूँ कि ये ठीक नहीं है, इस तरह से पुलिस और डीडीए के को इस्तेमाल करके निर्मम काम करना। दिल्ली सरकार जब से आई है, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार, हमने भी कई झुग्गी इलाकों का रिहैबिलिटेशन किया है। हर जगह लोग बड़ी खुशी खुशी अपनी झुग्गियां छोड़ के गए हैं, उनको पक्के मकान दो, अच्छे मकान दो, वो खुशी खुशी जाते हैं। लेकिन इस तरह से अपने देश के लोगों को बर्बाद करके आप यहाँ क्या बसाना चाहते हो? कहते हैं यहाँ पे हम उनके लिए इंसीटू, इस तरह से इंसीटू रिहैबिलिटेशन नहीं होता। उधर अपना सब कुछ गवा चुके कठपुतली कॉलोनी में रहने वाले लोगों का कहना है कि उनके लिए कोई नहीं है, ना केजरीवाल सरकार, ना प्रशासन और ना ही पुलिस। 200 रुपए का खाना लेके आए थे, मेरे बच्चे रोटी तो खाएंगे ना, उसके ऊपर बुलडोजर चला देते, रोटी पे बुलडोजर चला दिया उन्होंने और इतना भयंकर मारा मुझे। अभी वो केजरीवाल मिलने आ रहे, क्या कहना है? अभी केजरीवाल से यही कहना है साहब, हमारी जिंदगी बर्बाद होगी, अब आगे हमारी जिंदगी बर्बाद, हमें यही, हमें हमारी कब्र बना दीजिए आप, हमारे ऊपर आप बुलडोजर फेंक दीजिए, बस बुलडोजर मेरे ऊपर चला दीजिए, जिएंगे यही रहेंगे, बुलडोजर फेंक दो, क्योंकि हमारी जिंदगी है, हमारा बचपना यही बीत गया और आधे दोनों हाथों से लूटा गया। सुबह पहले जैसे हम उठे ना, तीस तारीख के दिन जैसे उठे ना, तो हम सामान लेने गए, खाने लेने का सामान, मंडू जी मेरे को रोटियां बनाओ, अब बनाएंगे 12 बजे के बाद में रोटी बनाई, जैसे बुलडोजर चालू हो गए, खाना बनाया भी नहीं, बच्चों ने पीछे बच्चे को स्कूल के गए, तो हमारे बच्चे एक तरफ तो स्कूल में घबरा रहे हैं कि हमारे घर टूट रहे हैं, हमारे जबरदस्ती से और बुलडोजर को फेर रहे हैं। उधर लोगों को आश्वासन देने के बाद अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल से मिलने उनके निवास पर भी पहुंचे। एलजी ने केजरीवाल को आश्वासन दिया कि आगे अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ही कोई कार्रवाई होगी, तब तक कठपुतली कॉलोनी के लोगों को राहत देने का काम किया जाएगा, उन्हें रहने को टेंट, खाना पानी और टॉयलेट की सुविधा दिल्ली सरकार मुहैया करवाएगी। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से बैद्यनाथ झा की रिपोर्ट।